2017 के पेपर्स में जो एनालॉगीज आई थी इंग्लिश में, वो अभी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ. एनालॉगीज का पोर्शन ना सिर्फ सीएसएस में आता है, एनटीएस में भी आता है, ठीक है, नर्स के टेस्ट में भी आता है, और बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एनालॉगीज का पोर्शन आता है. एनालॉगीज का मतलब क्या होता है? सेम रिलेशनशिप. मेरे भाई, ये सीएसएस 2017 के पेपर की एनालॉगीज मैंने सॉल्व की है, और सीएसएस के जितने पेपर्स हुए हैं 1985 से लेके 2017 तक, चाहे वो कंपलसरी हो, ऑप्शनल हो, उन सब की वीडियोस हम आपको दे रहे हैं. और इसीलिए मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को भी रिकमेंड करें, खासकर इसमें जर्नल अवेयरनेस सीएसएस की जो होती नहीं है. बहुत सारे लोग, आपको पता है इंग्लिश ऐसे के पेपर में सिर्फ 2% लोग हैं जो 50+ में मार्क्स लाते हैं. तो ये सारे के सारे कैसे ड्रॉबैक्स होते हैं, कैसे मार्क्स आते हैं, हम बताएंगे. चले अभी आ जाए आज मौजूदा टॉपिक पे. एनालॉगीज, ये 8 एनालॉगीज आई थी पेपर में, जिनमें नंबर 1 क्वेश्चन था लाइन का रॉर. अब रॉर किसको कहते हैं? शेर की धाड़ को. यानी आवाज की बात हो रही है, लाइन का रॉर. क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आवाज की बात हो रही हो? तो ये वाली एमसीक्यूज तो बहुत आसान थी. आप स्टूडेंट में से कोई बताएगा? ए, ए है. जनाब ऑप्शन बी को देखें, गॉड का ब्लीड. जो बकरी की आवाज होती है वो ब्लीड करता है, तो गॉड का ब्लीड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है. यानी ये कैटेगरी क्या थी? जानवर और उनकी आवाज की. लाइन का रॉड था तो गॉड का ब्लीड हो जाएगा. ओके जनाब, शेडो और लाइट. शेडो होता ही किसका है? लाइट का. अब यहाँ हाउस और ब्रिक्स, रिएक्शन एक्शन फ्लॉट रेंज, जो बेस्ट ऑप्शन है वो इमेज और ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. इसके बाद ब्लड का क्लोट. भाई जब ब्लड जम जाता है तो उसको क्लोट कहते हैं. और यहाँ पे देखें, गर्डल दही को कहते हैं और मिल्क दूध को कहते हैं. मिल्क जब जम जाता है तो गर्डल यानी दही बना देता है. फेयरफुल, जो आदमी बहुत ज्यादा फेयरफुल हर वक्त परेशान रहता है तो क्या होता है? हर किसी के आगे झुका रहता है, लोअर रहता है, परेशान रहता है, वीक रहता है. और मेरे भाई एरोगेंट कहते हैं बहुत ही मगरूर आदमी को. और स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ के चलना, STURT, अकड़ के चलना. तो फेयरफुल लोअर का आंसर होगा एरोगेंट और स्ट्रट. इसके बाद जनाब एक्सपेटाइट और एजम दोनों के मीनिंग होते हैं फास्टली या मूव क्विकली. तो ये क्या रिलेशनशिप आ गई भाई? साइनोनिम की रिलेशनशिप. साइनोनिम की एक रिलेशनशिप साफ दिख रही है, फैसिलिटेट मीन मेक इजीएस्ट. देखिए ड्राइवर मेक हार्डर का तो कोई यहां सेंस बनता भी नहीं है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता. वुड का फर्नीचर. मेरे भाई फर्नीचर किससे बनता है? वुड से बनता है. तो इसमें सबसे अहम ऑप्शन है डी. स्कल्पचर बनता है हमेशा स्टोन से. स्कल्पचर जिसको मुजस्मा कहते हैं. सर्जन का डेस्ट्रेस. अब डेस्ट्रेस की मीनिंग पता होनी चाहिए. इसके मीनिंग होते हैं महारत होना, जहानत होना, फुर्ती होना. तो मेरे भाई बात ये है कि अब एक क्या चीज है कि एक्ट्रेस जरूरी नहीं कि ब्यूटीफुल हो. बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी गुजरी है हिस्ट्री में जो ब्यूटीफुल नहीं थी मगर वो बड़ी कामयाब रही. अदाकारा की बात हो रही है, मॉडल होता तो शायद ब्यूटीफुल हो सकता था. एथलेट का टॉल होना भी जरूरी नहीं है, क्लाउन का फैट होना भी जरूरी नहीं है. डी. एक्रोबेट के मीनिंग क्या होते हैं किसी को पता है? कर्तव्य दिखाने वाला. और एगाइल कहते हैं फुर्तीलापन. तो जो एक्रोबेट होगा लाजमी बात है वो क्या होगा? एगाइल होगा, फुर्तीला होगा, जरूरी है इस प्रोफेशन के लिए. इस तरह सर्जन के लिए डेस्ट्रस होना जरूरी है, एक्रोबेट के लिए एजाइल होना जरूरी है. इसके बाद जनाबे आ गई लेजर लस्ट. लेजर कहते हैं किसी का या शानी को. लस्ट का मतलब होता है उबाशाना सोच. अब जनाब इसके हवाले से ग्लटन से मुराद होती है पेटू. दावतों में जो जाते हैं और खाना रुकता ही नहीं, ठीक है, जनाब खाए जा रहे पता चला पूरी शादी का खाना शॉर्ट कर गए, तो ऐसे अंकल को हम क्या कहेंगे? ग्लटन. एक ग्लटन साहब खाए जा रहे थे, किसी ने कहा कि भाई खाने के दरमियान में पानी पी लेते हैं, तो ग्लटन साहब ने कहा जब दरमियान आएगा तो पी लूंगा. तो ये क्या होते हैं? ग्रीड, मतलब एक हेवस है भूख की. खा लिया, कोरमा भी खा लिया, बिरयानी भी खा ली, स्वीट डिश खा ली, स्प्राइट पे हजम भी हो गया कि अचानक किसी ने कोका कोला सामने रख दी. और ये बता दो जितने ग्लटन हजरात हैं उनके लिए पैगाम, जी भर के ठूसी है, मुफ्ता सब ठूसते हैं भाई, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं एशियन इस मामले में. लेकिन जब एक बार स्प्राइट पी लें तो फिर दोबारा किसी सॉफ्ट ड्रिंक को हाथ ना लगाए. कोक या पेप्सी पियेंगे तो जितना आपका ग्रीड था ना वो बाहर उल्टियां होंगी और वो सारा जाया हो जाएगा.
तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये एनालॉजीज 2017 के सीएसएस के पेपर में मैंने सॉल्व की थी। वो स्टूडेंट जो नस का टेस्ट दे रहे हो भाई, चाहे एनटीएस का टेस्ट दे रहे हो, ये बात ध्यान में रखें कि बहुत सारी चीजें जो एक पास पेपर में आती हैं वो किसी दूसरे पेपर में भी हैजर्डस क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जनाब, नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ताला 2017 के ही बाकी जो पास पेपर हैं, हम लोगों ने जो टारगेट ये किया है 2017-2016 के जितने पास पेपर्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के, पहले उन सबका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।